कहीं तेरी आदत तो नहीं कि मैं जैसे प्यार का अंदाज समझ बैठी वो तबस्सुम वो तरल्लुम कहीं तेरी आदत तो नहीं। अगर आप कुछ खा लेते और आगा तो प्यारी साफ बता कि मैं गफलत से चढ़ती रहूं बिरकती रहूं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक हो गए और मैं अभी एकदम बढ़िया हूँ। तो आपको अभी दिख रहा होगा मैं रेडी हुई हूँ। एक्चुअली मैं कहीं जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ आउट ऑफ हिमाचल। और कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको चलते चलते बताऊँगी क्योंकि अभी मुझे हो रही है लेट और राकू भी बहुत कॉल कर चुके हैं। तो फटाफट से मैं लॉक लगा देती हूँ यहाँ पर और फिर मैं आपको रास्ते में बताऊँगी कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम जाएंगे आउट ऑफ हिमाचल, तो मैं जा रही हूँ चंडीगढ़। प्रॉपर चंडीगढ़ भी नहीं जा रही हूँ, थोड़ी कहीं पर हटके जा रही हूँ कहीं को। क्या बोलते रहा आपको, सहारनपुर, मालपुर, हाँ मैं जा रही हूँ होशियारपुर क्योंकि वहाँ कुछ फंक्शन था तो इसलिए। और अभी हम पहुँचे हैं पिंजौर और मेरी हालत आप देख सकती हो क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, वॉमिट हो गई थी, साथ में बच्चों को भी वॉमिट हो रही थी, रिधव को भी वॉमिट हो रही। तो अभी हम पहुँचे हैं पिंजौर, चुके हैं चंडीगढ़ फाइनली। और वेदर इतनी गर्मी नहीं है, मुझे लग रहा था बीच में रास्ते में बहुत गर्मी होगी, स्वेटिंग होने लगी थी फेस पे बॉडी पे, बट अभी यहाँ पर जो है ठंडा ठंडा वेदर है। आइए आप यहाँ के नज़ारों की मजे लीजिए। वही तो गाड़ी का शीशा आगे थोड़ा ऐसा है, धुंधला सा डस्ट है इसके ऊपर लगी हुई, आपको तो पता ही है सबको हिमाचल में वेदर कितना खराब है। तो जो भी पानी नहीं छोड़ा तेरे पानी खाती हूँ। ये देखिए सुनील जी का कॉलेज भी गरीब का ही होता था, पता कहाँ होता था, खर्ड में, खर्ड का है, खर्ड में होता था उनका कॉलेज। अभी कौन कहाँ पर है राकू? हम पीजीआई के पास पहुंच गए। खर्ड किधर को आया? खर्ड आ गया, वहाँ पर तो सुनील जी का इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या नाम था उनके कॉलेज का, GGS गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। सुनीला दी को हम उनकी पुरानी यादें ताजा करवाते हैं। अगर वो हमें देख रहे हैं, अगर वो मेरे इस ब्लॉग को देखेंगे तो सुनीला दी ये वाला आपके लिए स्पेशल, ताकि आपको अपना पुराना कॉलेज का टाइम याद आए, आप यहाँ पर गेड़िया मारा करते थे कॉलेज टाइम में। देखिए चंडीगढ़ का सनसेट कितना प्यारा है, कितना अच्छा लग रहा है। वैसे अभी हम चंडीगढ़ में नहीं, अब हम पंजाब में एंटर हो चुके हैं। हाँ हाँ, पंजाब की धरती, वीरों की धरती, योद्धाओं की धरती, शूरवीरों की धरती है ना। और क्या बोलूं मैं, बाकी सब पता है आप लोगों को। बस बस बस, ज्यादा नहीं बोली, कॉपीराइट ना आ जाए मुझे। ये कौन सी लेक होनी, ये कौन सी नदी है, सतलुज है ये, हमारी कुल्लू की नदी है, क्यों? अच्छा अच्छा, कुल्लू में तो ब्यास बहती है। ओ सॉरी। और ये देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल सामने से दिख रहा आपको सनसेट का व्यू, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आग का गोला हो रहा है सामने, और लाइव व्यू तो इसका कई ज्यादा सुंदर है, बट मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा लग रहा होगा, बट अभी जब मैं लाइव इसको देख रही हूँ ना, क्लाउड्स के बीच में देखिए हल्के हल्के से क्लाउड्स हैं और इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई आग जल रही होगी वहाँ बहुत दूर, बिल्कुल ऑरेंज कलर का, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइट कलर सा दिख रहा है उतना डार्क, या अभी इसका जो कलर है वो है डार्क ऑरेंज कलर है ना, डार्क ऑरेंज है ना, बट इस कैमरे में नहीं उतना दिखता, डार्क ऑरेंज नहीं दिखता इसमें, बिल्कुल लाइट सा दिख रहा है इसमें।
व्यू यहाँ पर भी है, ये देखिए इस व्यू को आप देख सकते हो। रिधर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है रिधर? तो गाइज अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं नवाशहर और आगे अब मुझे लग रहा है रात भी होने वाली है तो आगे मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, तो आगे मैं आपको वहीं पर मिलूंगी जहां पर हमने एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे जाना है तो मैं आपको वहीं पर मिलूंगी, बिकॉज आगे मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बीच बीच में दिखा भी लूंगी क्योंकि अब रात होने वाली है, अब मे भी 8 बज रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनी पे, राकू बस गाड़ी लगा रहे हैं पार्किंग में। क्या नाम है भैया इस जगह का? ये मालपुर बापू बंगला। मालपुर, और ये सारा जो ये बाबूजी का एरिया है क्या है? ये गौशाला है बापू की। और ये इस टाइम हम घूम रहे हैं पंजाब की गलियों में रात को, और यहाँ पर फंक्शन है तो उसी फंक्शन को अटेंड करने हम आए हुए हैं। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और यहाँ पर साथ में ही गौशाला भी है। हमने सोचा तेरे को पता नहीं, पता भी लगता है कि नहीं। चल चल मामू के साथ अभी लेंगे हम, यही है आज। Thank you।
बाबा जी, लेकिन अब तो वो पूरे हो गए हैं, उन्होंने समाधि ले ली है। इस जगह पे वो बैठते थे पहले। तो गाइस, रात को मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी क्योंकि बहुत थक गए थे और बच्चे भी परेशान कर रहे थे, तो हम सो गए थे। तो अभी मैं ब्लॉग एंड कर लेती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।